अर्निंग कितना अर्निंग है गाइस अभी मैं दिखा देता हूं, $2561 है। और ये कोई फेक नहीं मैं दिखा रहा हूं, रियल दिखा रहा हूं, ना ही कोई स्क्रीन। एक एक दिन में मैं 100-100, 80-80 डॉलर की अर्निंग करता हूं। और कैसे मैं इतना अर्निंग करता हूं अभी सब कुछ दिखाऊंगा, $2500। और ये कोई फेक नहीं है मैं पहले बता दे रहा हूं, और कोई स्क्रीन शॉट नहीं है, ठीक है। अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करके मैं देखूं तो अभी मैं बताता हूं कि यहां पे इंडियन रुपीज में देख सकते हो 1,95,000 हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखा देता हूं, रिलोड करके देख सकते हो आप, ये कोई फेक में स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग देख सकते हो एकदम ये रियल है। आईपीएल का कंटेंट को अपलोड करके मैंने इतना अर्निंग किया, एक एक दिन में 100-100 डॉलर तक का मैं अर्निंग किया हूं, ठीक है। तो मैंने कैसे किया आईपीएल का वीडियो से, तो सो गाइस फिर से एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप आईपीएल से बहुत ही अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर सकते हो। एंड आप प्रूफ तो देख ही लिए गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरीके का अमाउंट जनरेट करना चाहते हो तो गाइस मैं आज का वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कॉन्टेंट बनाना है, ठीक है, और कौन सा ट्रिक लगाना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर यूट्यूब से आप कॉपी पेस्ट वर्क करके पैसा कमाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए है। आईपीएल में आप लाखों की अर्निंग करने वाले हर महीने का, ठीक है। आप लोगों को सारा कुछ मैं प्रूफ दिखाऊंगा। अभी के टाइम पे भाई लोग यूट्यूब से मंथली का लाखों का अर्निंग कर रहे हैं, और चैनल तो पूछो ही मत, 2 से 3 दिन 4 दिन में चैनल मोनेटाइज करके अर्निंग बहुत ही कर ले। स्पॉन्सरशिप तो इतना अर्निंग हो रहा है पूछो मत। मैं तो आपको जो अर्निंग दिखाया सिर्फ एडसेंस का अर्निंग दिखाया, अभी स्पॉन्सरशिप का इसका 5 दुगना अर्निंग होता है, ठीक है। हर स्पॉन्सर का एक एक वीडियो का 30-30, 40-40 हजार रुपया स्पॉन्सर का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, साइड में आप फोन स्क्रीन मेरा देख सकते हो। यहाँ से जाता हूँ मैं अपने YouTube पे, ठीक है। YouTube को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IPL News, ठीक है। अभी आप लोगों को व्यूज चेक करवाता हूँ, एकदम न्यू चैनल पे हजारों लाखों में व्यूज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या इसमें नीचे जाता हूँ, देखो 16 घंटा में 14,000 व्यूज, 22 घंटा में 34,000 व्यूज, ठीक है। इसमें 39 मिनट बाद 6K व्यूज, देखो यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, 13 घंटा पहले 4,400 व्यूज। जैसे क्रिकेट मुंबई नाम का एक चैनल है, इसपे वीडियो कितना है 41 वीडियो, और इसपे सब्सक्राइबर कितना है 1.47K व्यूज, मतलब 1,000 से ज्यादा ही सब्सक्राइबर, मतलब 1,500 सब्सक्राइबर इस चैनल पे होने वाला है। अगर इसका वीडियो का व्यूज की हम बात करें, 1,000 सब्सक्राइबर है और व्यूज आप चेक करो, 13 घंटे पहले 4,400 व्यूज, एक दिन पहले 5,600, देखो इसका व्यूज 15,000-20,000 देख सकते हो आप, इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है। आप व्यूज देख के तो समझ ही सकते हो गाइस किस तरीके इसका, एक कोई भी वीडियो मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस वीडियो इसका, मुंबई का न्यूज देता है, ठीक है, मतलब आईपीएल में मुंबई एक है उसका ये न्यूज देता है, और न्यूज दे के मंथली का ये इसका चैनल भी मैं बोल रहा हूँ मोनेटाइज हो गया, इसका मोस्ट पॉपुलर पे जाए तो मैं इसका 24,000 व्यूज है। अगर टोटल इसकी व्यूज हम देखे तो 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया, एक जीमेल भी डाल दिया, इससे आप लोग क्या समझते हो कि भाई स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, और स्पॉन्सर से भी भाई अच्छा खासा अर्निंग कर लेता होगा, ठीक है। 2 लाख भी ज्यादा व्यूज है, मतलब इसका चैनल तो मोनेटाइज का क्राइटेरिया फुल हो गया होगा, मोनेटाइज करके अर्निंग कर रहा होगा, ठीक है। तो चलो गाइस आज के ये वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग एक आईपीएल का वीडियो को क्रिएट करना है, और कैसे गाइस आप लोगों को बना के मंथली का लाखों रुपया को अर्निंग करना है, ठीक है। आज का वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि कहां से स्क्रिप्ट लेना है, कहां से फोटो को डाउनलोड करना है, और कैसे एडिटिंग करना है, आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा। बस वीडियो में आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। तो चलो हम बात करते हैं कि आप फोटो कहां से उठाओगे और स्क्रिप्ट कहां से लोगे, और कैसे अपना वॉइस ओवर करोगे, और बिना फेस दिखाए आप अर्निंग करोगे, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देना और थोड़ा सा एडिटिंग कर देना और मंथली का अर्निंग करना है। चलो गाइस अब हम बात करते हैं कि आप आईपीएल का वीडियो बनाओगे कैसे, ठीक है, क्रिएट कैसे करोगे, और कहां से फोटो को डाउनलोड करोगे, और कहां से वो जो वॉइस ओवर भाई लोग जो अपने वीडियो पे बोलते हैं वो कहां से लाओगे आप, ठीक है। सब कुछ आज बताने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से देखना। साइड में मेरा फोन का स्क्रीन देख सकते हो, यहां से चले जाता हूं गूगल पे मैं, ठीक है। गूगल पे जाकर यहां पे आप लोगों को क्या सर्च करना है अब मैं बताता हूं। यहां पे आप लोगों को सर्च करना है आईपीएल टुडे मैच हिंदी, ठीक है। आईपीएल टुडे मैच जैसे ही आप हिंदी सर्च करो, सॉरी
यहाँ पे हिंदी आपको हटा देना है, आईपीएल टूडे मैच ही आप लोगों यहाँ पे पहले सर्च करना है। यहाँ पे देखो आईपीएल टूडे मैच जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आज किसके किसके साथ मैच है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में आज मैच होने वाला है। ठीक है, बट इसके लिए आप लोगों को रिपोर्ट देना है। ठीक है, मतलब इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ न्यूज बनाना है, मतलब दोनों टीम का एक ही टीम का आप लोगों को न्यूज देना है। जैसे मैं केकेआर के लिए न्यूज देने वाला तो यहाँ पे लिख दूंगा केकेआर, हिंदी लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में मेरे को न्यूज देना है, यूट्यूब पे हिंदी लिख दिया। ठीक है, हिंदी लिखने के बाद अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब जैसे कि कोई भी एक आर्टिकल पे मैं क्लिक कर देता हूं तो हमारे सामने कुछ छोटा सा न्यूज स्क्रिप्ट टाइप का आ जाएगा और उसको आप अपने काइंड मास्टर में वॉइस ओवर कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा न्यूज आ गया जिसमें लिखा है आईपीएल 2000 केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज भी दिया हुआ आज आईपीएल 2023 में कोलकाता और ये सब, मतलब छोटा सा न्यूज है। ठीक है, आप लोगों को ये न्यूज कैसे करना है, कैसे अपने काइंड मास्टर पे लिखना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो गाइस आप लोग क्या करना, एक कॉपी लेना, ठीक है, और एक पेन लेना। ठीक है, ये स्क्रिप्ट क्या करना, एक कॉपी में आप लोग लिख लेना, मतलब आप लोग ऐसा लिखना कि एक मिनट तक हम लोग बोल ले। ठीक है, आप लोग एक कॉपी में लिख लेना और बोलना कि आज आईपीएल और सब कुछ, तो ये सब बताऊंगा आप लोगों को, अभी मैं बता दे रहा हूं। ये स्क्रिप्ट को आप क्या करना, एक कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी में नोट करने के बाद अब क्या करना, अब मैं बताता हूं। ठीक है, अब चलो अब यहां से बैक आता हूं मैं। ठीक है, बैक आने के अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि स्क्रिप्ट कहां से लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि गाइस जो आप वीडियो में देख रहे थे, तो फोटो जो चल रहा था वो फोटो आखिर कहां से आता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। फिर से आप साइड में देखो, यहां से जाता हूं, फिर मैं गूगल पे और आज का जो मैच था केकेआर वर्सेस आरसीबी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहां लिख देना केकेआर वर्सेस आरसीबी। लिखने के बाद यहां पे लिख देना फोटो। ठीक है, फोटो लिख देना। फोटो लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना। सर्च करने के बाद इमेज पे चले जाना है। इमेज पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो केकेआर वर्सेस आरसीबी के साथ यहाँ पे कुछ मैच का यहाँ पे अगले साल या इस साल का यहाँ पे पिक है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ पिक को यहाँ से ले लेना है। ठीक है, यहाँ से कुछ मैं पिक को यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप पिक, मतलब 10 से 12 फोटो को आप यहाँ से ले लेना। लेने के बाद अब क्या करना, अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। देखो गाइस, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले फोन स्क्रीन पर देखो गाइस, आपका तो फोटो तो आ गया और आप जो बोलोगे वॉइस, उसका स्क्रिप्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहां से आप लोगों को लेना है। बस अब क्या करना, एडिटिंग। एडिटिंग कैसे करोगे, उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगा काइंड मास्टर एप्लीकेशन का। अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप लोग जाओ, मैं काइंड मास्टर का लिंक डाल दिया, वहां से आप लोग इजिली इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और करने के बाद अब चलते हैं हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन पे एंड वहां से मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एक आईपीएल का पूरा प्रॉपर टाइप का वीडियो, न्यूज टाइप का कैसे आप लोग एडिट करोगे। ठीक है, तभी आप लोग अगर अच्छे से एडिट करोगे, अच्छा अच्छा इफेक्ट डालोगे, तभी आपका आईपीएल का वीडियो वायरल होने वाला है और तभी आप अर्निंग कर पाओगे। तो चलो हम चलते हैं अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन पे। हम लोग आ चुके हैं अपने फोन के स्क्रीन पर। यहाँ से चले जाता हूँ मैं अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अब आप लोग आईपीएल का वीडियो को कैसे एडिटिंग करोगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, तभी आप एक प्रॉपर टाइप का आईपीएल न्यूज को एडिट कर पाओगे। ठीक है, क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग रेशियो कौन सा सिलेक्ट करना है, 16:9 का रेशियो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब पे अपलोड करना है तो यही रेशियो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग रेशियो सिलेक्ट करने के बाद जो जो फोटो को आप डाउनलोड किए वो सब फोटो को ले लेना। ठीक है, यहां से मैं ये सब फोटो को ले लेता हूं। ठीक है, सब फोटो को मैंने ले लिया। फोटो लेने के बाद यहाँ पे देख लेता हूँ सब फोटो फुल साइज का है कि नहीं। जैसे ये फोटो के किनारे ब्लैक ब्लैक है तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ प्लेयर जूम पे, थोड़ा सा इसको इस तरीके का जूम कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इस पे जाता हूँ तो ये भी थोड़ा सा नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जूम कर लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। हाँ, सबको आप लोग ऐसे ही करके थोड़ा सा जूम आउट कर देना है, क्योंकि फुल स्क्रीन का लगेगा तो वीडियो आप लोगों को देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सबको मैं इसी तरीके से जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सबको मैं जूम कर दिया हूँ गाइस, और ये जूम है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो का लेंथ रखना है वो कम से कम 1 मिनट का रखना है। मैं आपको सिखाने के लिए इतना कम सेकंड का वीडियो दिखा रहा हूँ, बट आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोग का अपना वीडियो का लेंथ रखना वो 1 मिनट से ही ज्यादा रखना। ठीक है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट का अंदर रखना, तभी आप लोग का ऑडियंस रिटेंशन अच्छा रहेगा, तभी आपका वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा, तभी आपका वीडियो वायरल हो पाएगा। आप लोगों का इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके का वीडियो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा कुछ इस तरीके का वीडियो बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम एकदम
एट्रैक्टिव और एकदम लग रहा है आईपीएल न्यूज जो चलता है सेम उस तरीके लग रहा है। अब आप लोगों को कौन सा काम करना है, अब आप लोगों को एक बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, ठीक है। यहाँ फोन अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पे म्यूजिक भी डाल दिया, क्योंकि ये वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक से जो है जो थोड़ा अच्छा टाइप का लगा। मैं आपको सुना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ये न्यूज टाइप का मतलब परफेक्ट वीडियो लग रहा है, ठीक है। आप देखना ध्यान से, आप देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो कुछ इस तरीके का एडिटिंग हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इस वीडियो में अपना अपना खुद का वॉइस डालना है, ठीक है। आप लोगों को मैंने वॉइस तो बता दिया कि कौन सा मतलब किस तरीके से आप लोगों को वॉइस डालना है, ठीक है। आप लोगों को गूगल से एक अच्छा सा कोई न्यूज को ले लेना है, न्यूज को लेने के बाद आप अपने एक कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी में नोट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अपना वॉइस को दे देना, ठीक है। जैसे इस पे मैं क्लिक करके बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो बोलता हूँ मैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी हमारा तो गाइस आप लोगों को इस तरीके से अपना वॉइस को दे देना है, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ा सा अपना वॉइस दिया है बस आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। और मैंने किस तरीके से वॉइस दिया ये भी आप लोग देख ही लिए कि मैंने किस किस तरीके से दिया। सेम तरीके से आप लोगों को भी अपना वॉइस दे देना है। अभी मैं इस पे साउंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अपना आवाज को थोड़ा डकिंग पे कर देता हूँ कि हमारा आवाज थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अभी साउंड को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ऑटो वॉयलेशन पे कर देता हूँ कि हमारा जो ऑडियो है पूरा अच्छे क्वालिटी का लगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं कि हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। देखना आप ध्यान से, हम लोगों को जो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को है थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। इसको 16 पे रखना है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देना है। अब देखो हो जाएगा। तो गाइस आज का जो मैच होने वाला है यहाँ पे आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में मैच होने वाला है, तो आज का मैच को आप लोगों को कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी देना है। तो गाइस आप लोगों को कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना एक न्यूज शूट करना है, और सेम इसी तरीके से आप अपना वॉइस ओवर करके 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बनाना है। आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं अपना ऐसे ही अपना वॉइस ओवर डाल दिया। आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, कोई अच्छा सा अपना आईपीएल का जो न्यूज एक उठा लेना है। न्यूज उठाने के बाद आप अपना खुद का वॉइस ओवर कर देना, करने के बाद आप लोगों को इतना काम ही करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद एक्सपोर्ट आप लोगों को इस वीडियो को कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि अब आप लोग क्या करोगे, ठीक है। यहाँ से मैं सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा मतलब ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। फिर से सेव, हाँ, तो यहाँ देखो हमारा वीडियो जो है सेव हो रहा है। सेव होने के बाद अब बताता हूँ कि अब आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे आप लोगों को एक आईपीएल का न्यूज वीडियो को एडिट करना है, और कहां से स्क्रिप्ट लेना है, कैसे पूरा एडिटिंग प्रॉपर पूरा आप लोगों को कुछ इसी तरीके से एडिटिंग करके और सिंपल सा यूट्यूब पर अपलोड कर देना। और यूट्यूब पर अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे एसईओ करते कैसे अपलोड करते, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताना, एंड मैं बता रहा हूं कि आप लोग सेम इसी तरीके से आप अपना 10 से 5 दिन में आप अपना चैनल को मोनेटाइज करवा लोगे इस कंटेंट से, क्योंकि बहुत सा भाई लोग इस कंटेंट को 10 से 5 दिन वर्क करके मोनेटाइज करवा लिए और लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, एंड मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।